भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का 2 दिवसीय अधिवेशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान रैली को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने व्यवस्था में लगे सभी कर्मचारियों और जनता को कोटिशा धन्यवाद ज्ञापित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। गोरखपुर में गैस पाइपलाइन, एम्स जैसी योजनाओं से गोरखपुर की जनता को नवाजा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत गोरखपुर से करके गोरखपुर का मान को बढ़ाया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। डीएम ने कहा कि पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में जिस तरह से कर्मचारियों और जनता ने सहयोग दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और डीएम ने सभी लोग को धन्यवाद दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी सर, क्या था? मैं सभी गोरखपुर वासी लोग का धन्यवाद देता हूँ और यहाँ तो हमारा मीडिया साथियों और यहाँ प्रशासन से जुड़े हुए कितने लोग हैं सबका धन्यवाद देता हूँ, ताकि कल तो कार्यक्रम तो बहुत संपन्न हुआ है, बहुत सफल रहा है। खासतौर पर यहाँ से प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंदर सारे किसान का 2000 रुपया खाते में पहुँच गया है। गोरखपुर में भी लाखों लोग का फायदा मिला है, पूरे देश प्रदेश में करोड़ों लोग का पैसा तो तुरंत पहुंच गया उसी खाता में। प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ यहां से हुई है, एक तरफ एक ऐतिहासिक पहल है और साथ साथ गोरखपुर में तकरीबन 10,000 करोड़ का जो लागत का काम है उसको लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। खासतौर पर एम्स का OPD का शुभारम्भ कल हुआ था, उसके अलावा 9,000 करोड़ का जो गैस पाइपलाइन है उसका शिलान्यास हुआ है। वैसे तो एक तरफ ऐतिहासिक काम हुआ है और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको मीडिया के जरिए से मैं अपील कराना चाहता हूँ।